वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैरिकेडिंग लगाया गया है, जो बैरियर लगाया गया है, वहां से निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, जो व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तैनात किए गए थे, तो वो वहां पर लड्डू लूटते हुए नजर आए हैं। तो दूसरी तरफ लोग उस बैरिकेडिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी थे वो वहां पर लड्डू लूटने में नजर आए हैं। जो लड्डू मार होली आज आयोजित की गई थी, उस लड्डू मार होली को लेकर किस तरीके से लोगों की जान पर बनाई और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मूक दर्शक बने रहे, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं कि भारी संख्या की जो लोगों की भीड़ थी, आखिर उसको नियंत्रित क्यों नहीं कर पाया प्रशासन, उसके लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं मंदिर में, भगदड़ की तस्वीरें, लोग किस तरीके से खुद की जान बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जरा ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर किस तरीके से लोगों का जो रेला है वो नीचे गिरता हुआ नजर आया है, एक के बाद एक नीचे गिरते हुए लोग नजर आए मंदिर में, भगदड़ की तस्वीरें। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर किस तरीके से खुद की जान बचाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ रही लोगों को वहां से निकलने के लिए। धरातल पर कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, कोई भी यहाँ पर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने में कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी। और ये लगातार तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कैसे, पहली तस्वीर में देखिए जरा भारी भीड़ नजर आ रही है और ये एक के बाद एक लोग नीचे गिरते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए हैं ये लोग। और तीसरी तस्वीर में पुलिसकर्मियों की यहां पर यह करतूत देखने को मिल रही है, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो यहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के जो सिपाही वहां पर तैनात किए गए थे, वो लड्डू लूटते हुए नजर आए। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नजर आई हैं कि यहां पर सुस्त रवैया, बिना कोई प्लानिंग, जबकि इस बात को लेकर साफ तौर पर अंदेशा था कि आज भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसके बावजूद ही ढीला रवैया। और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर किस तरीके से भारी संख्या में भीड़ पहुंची और उनसे निपटने के लिए कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ये लड्डू मार होली पर भगदड़ किस तरीके से मची है ये देख सकते हैं जरा।